अगर आपने 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच हुए उस ऐतिहासिक मैच को देखा होगा तो शायद आपको रवि शास्त्री की वो लाइन जरूर याद होगी, द फर्स्ट मैन ऑन प्लैनेट टू रीच द फिगर ऑफ 100। ये लाइन रवि शास्त्री ने तब कही थी जब सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओडीआई मैच में खेलते हुए 200 का इंडिविजुअल रन स्कोर किया था। इस रिकॉर्ड के बनने के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि डबल सेंचुरी क्रिकेट जगत का एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना लगभग असंभव होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि क्रिकेट में तो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। सचिन के बाद देश और विदेश के कई खिलाड़ियों ने दोहरे शतक के आंकड़े को पार किया और अपना नाम भी इस रिकॉर्ड के लिस्ट में दर्ज करवाया, और इन्हीं नामों में से एक भारतीय नाम था रोहित शर्मा का, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के दोहरे शतक के रिकॉर्ड के आंकड़े को तो तोड़ दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि आज तक भी रोहित शर्मा का रिकॉर्ड कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया है। 2 नवंबर 2013 को रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब 209 रन की पारी खेली तो दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में वो तीसरे नंबर पर थे, और इतने रन बनाने के बावजूद भी रोहित शर्मा भी रन के मामले में वीरेंद्र सहवाग से पीछे थे, क्योंकि साल 2011 में वीरेंद्र सहवाग वेस्टइंडीज के खिलाफ 219 रन की पारी खेलकर पहले ही सचिन के आंकड़े को पार कर चुके थे। लेकिन 13 नवंबर 2014 को रोहित ने श्रीलंका के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली जो क्रिकेट के ऐतिहासिक पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि रोहित ने इस मैच में 173 गेंदों में 264 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली थी, जो आज भी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का हाईएस्ट इंडिविजुअल रन स्कोर है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि इसके 3 साल बाद यानी कि 2017 में रोहित शर्मा ने एक और दोहरा शतक मारते हुए 3 दोहरा शतक मारने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन मुकामों को हासिल करने वाले इस भारतीय खिलाड़ी की जर्नी कैसी रही, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपको मुकाम कैसा मिलेगा ये उस बात पर निर्भर करता है कि आपका सफर कैसा था। और दोस्तों बिल्कुल आज की इस वीडियो में हम रोहित शर्मा के उसी सफर के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से वो आज इतने सफल क्रिकेटर बने हैं। तो रोहित शर्मा, जिनका पूरा नाम रोहित गुरुनाथ शर्मा है, उनका जन्म 30 अप्रैल 1987 को महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में बंसोड़ नाम की एक जगह पर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। रोहित के पिता का नाम गुरुनाथ शर्मा है और वो एक ट्रांसपोर्ट फर्म स्टोर हाउस में केयर टेकर का काम करते थे। वैसे तो रोहित का जन्म नागपुर में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश मुंबई के डोंबिवली में उनके अंकल और ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा की गई थी, जिनके बारे में जिक्र करते हुए रोहित शर्मा कहते हैं कि इट वॉज डिफिकल्ट एट द बिगिनिंग टू बी अवे फ्रॉम माई फोक्स बट माई अंकल्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स टुक गुड केयर ऑफ माई नीड्स एज फार एज पॉसिबल। क्रिकेट में रोहित की रुचि को देखते हुए वर्ष 1999 में उनके अंकल ने अपने पैसों से रोहित का दाखिला एक क्रिकेट कैंप में करवाया, जिस कैंप में जो कोच थे उनका नाम था दिनेश लाड। कैंप में दाखिला करवाने के बाद दिनेश लाड ने रोहित शर्मा को ये सलाह दी कि उन्हें अपना एनरोलमेंट स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल और जूनियर कॉलेज में करवा लेना चाहिए, क्योंकि स्कूल में रोहित शर्मा के पुराने वाले स्कूल से ज्यादा फैसिलिटीज थी, विशेषकर क्रिकेट के मामले में। लेकिन रोहित के पास तो एनरोलमेंट करवाने और फीस देने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने एनरोलमेंट करवाने से मना कर दिया। लेकिन जैसा कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि सच्चे शिक्षक वही होते हैं जो हमें खुद के लिए सोचने पर मदद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके कोच ने उनको स्कॉलरशिप दिलवाई और पूरे 4 सालों में रोहित को एक भी रुपए स्कूल में पे करने की जरूरत नहीं हुई। और सबसे कमाल की बात तो यह थी कि क्रिकेट के क्षेत्र में रोहित के प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ और वो एक ऑफ स्पिनर के तौर पर क्रिकेट खेलने लगे, क्योंकि वो एक बॉलर के तौर पर मैच में भाग लेते थे, इसीलिए उन्हें 8वें स्थान पर बल्लेबाजी करने का मौका मिलता था, और ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा। फिर एक दिन उनके कोच दिनेश लाड को एहसास हुआ कि अगर मौका दिया जाए तो ये खिलाड़ी एक जबरदस्त बल्लेबाज की भी भूमिका निभा सकता है, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि 8वें नंबर पर बैटिंग करने आने वाले रोहित शर्मा को ओपनिंग करने का मौका दिया गया, और ओपन करते हुए रोहित शर्मा ने उम्मीदों से बढ़कर काफी प्रभावशाली परिणाम दिए। रोहित की इस रियल लाइफ स्टोरी से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपकी सफलता के लिए कितना जरूरी है कि आपको एक सही मेंटोर और टीचर मिले जो आपको हर कदम पर गाइड कर सके, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या फिर रोहित शर्मा। सफल होने के लिए एक सही मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। हर युवा क्रिकेटर जो क्रिकेट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, उसका शुरुआती सपना होता है कि कम से कम हमें किसी स्टेट लेवल टीम में भाग लेने का मौका मिल जाए, तभी उसके जरिए हम फिर आगे चलकर राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल सकेंगे। और बिल्कुल इसी सोच के साथ रोहित शर्मा ने मार्च 2005 में अपने डोमेस्टिक क्रिकेट करियर का डेब्यू सेंट्रल जोन के खिलाफ किया, जो कि देवधर ट्रॉफी टूर्नामेंट की एक टीम है। इस मैच में वेस्ट जोन टीम की तरफ से 8वें नंबर पर खेलते हुए रोहित ने 31 रन नॉट आउट का योगदान अपनी टीम को दिया। एक मजेदार तथ्य के रूप में आपको बता दूं कि चेतेश्वर पुजारा और रविंद्र जडेजा ने भी अपना डेब्यू इसी मैच से किया था। इसी टूर्नामेंट के अगले मैच में नॉर्थ जोन के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने 123 गेंदों में 142 रनों की जबरदस्त पारी खेली, जिसकी वजह से उन्हें काफी लाइमलाइट भी मिली। इस प्रसिद्धि का फायदा यह हुआ कि 2006 में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के टूर्नामेंट के
30 अनुमानित सदस्यों में रोहित शर्मा का भी नाम शामिल किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश रोहित शर्मा का नाम फाइनल स्क्वाड में नहीं था। लेकिन इसी साल जुलाई 2006 में इन्होंने इंडिया ए के लिए अपना डेब्यू मैच खेला, जो न्यूजीलैंड ए टीम के खिलाफ खेला गया था। अपना अच्छा प्रदर्शन देते हुए रोहित शर्मा ने 22 गेंदों में 57 रन की जबरदस्त पारी खेलते हुए 3 विकेट से इस मैच में इंडिया ए को जीत दिलाई। और उसी साल शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी सीजन 2006 में रोहित शर्मा ने अपने रणजी करियर की भी शुरुआत मुंबई की तरफ से खेलते हुए करी। 2007 में होने वाले इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में 132 रनों से जीतकर ट्रॉफी अपनी टीम के नाम कराई, जिसमें रोहित का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और अपने इसी योगदान की वजह से रोहित शर्मा को मुंबई की तरफ से इस टूर्नामेंट में खेलने का मौका आगे भी मिलता रहा। इसी क्रम में साल 2009 में गुजरात के खिलाफ रोहित शर्मा ने 309 रनों की जबरदस्त पारी खेली, जो अब तक का उनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। अब अगर हम बात करें रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर के बारे में, तो साल 2007 में आयरलैंड के खिलाफ रोहित शर्मा ने अपना पहला ओडीआई मैच खेला। इस मैच में रोहित को 7वें नंबर पर बैटिंग करनी थी, लेकिन इंडिया ने इस मैच में 9 विकेट से जीत दर्ज करी, जिस वजह से रोहित को बैटिंग करने का मौका नहीं मिल पाया। और इसी साल होने वाले T20 विश्व कप में भी रोहित शर्मा को इंडियन टीम के स्क्वाड में शामिल किया गया, और इसी टूर्नामेंट के साथ रोहित शर्मा का T20 डेब्यू भी हुआ। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो रोहित शर्मा का T20 डेब्यू 19 सितंबर 2007 को इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था, और ये वही मैच था जिसमें युवराज सिंह ने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। इसी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे मैच में रोहित शर्मा ने बहुत ही अच्छी मैच विनिंग हाफ सेंचुरी लगाई थी, जो मैच जीतने के लिए एक क्रूशियल योगदान था। इसके बाद रोहित शर्मा को इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाली 5 ओडीआई मैचेस की सीरीज के लिए सिलेक्ट किया गया। इस सीरीज के 5वें मैच में रोहित भारत की तरफ से खेलते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। भले ही इस मैच में इंडिया हार गई हो, लेकिन इंडिया ने इस सीरीज में 3-2 से बढ़त बनाकर जीत दर्ज करी थी। इसके बाद रोहित शर्मा को ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज टूर्नामेंट के लिए सेलेक्ट किया गया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 33 के औसत से 235 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 अर्धशतक भी जड़े, और कुछ समय तक रोहित का प्रदर्शन ऐसा ही चलता रहा। लेकिन फिर 2010 के समय में रोहित के प्रदर्शन का खराब समय शुरू हो गया, जिसका भुगतान उन्हें 2011 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप से बाहर होकर करना पड़ा। लेकिन विश्व कप के खत्म होने के बाद जुलाई 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले T20 और एक दिवसीय मैचेस की सीरीज में रोहित शर्मा को खेलने के लिए वापस बुलाया गया, जिसके पहले ही मैच में रोहित ने 68 रनों की डिसेंट पारी खेली। लेकिन इस सीरीज में भी रोहित का प्रदर्शन बहुत ज्यादा खास नहीं रहा, और रोहित के क्रिकेट करियर का सबसे खराब समय था साल 2012। इस पूरे साल में 12 के औसत से रोहित ने सिर्फ 168 रन बनाए, लेकिन उनके मौजूदा कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने रोहित के टैलेंट पर पूरा भरोसा दिखाया और उन्हें खेलने का भरपूर मौका दिया ताकि उनके प्रदर्शन में सुधार हो सके। और इस भरोसे की वजह से रोहित ने साल 2013 में बाउंस बैक करते हुए अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया, जिसके बाद उन्हें शिखर धवन के साथ ओपन करने का भी मौका मिला। रोहित और शिखर की ओपनिंग जोड़ी ने इतना कमाल का प्रदर्शन किया कि जिसकी वजह से साल 2013 में होने वाले ICC चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर ट्रॉफी अपने नाम करी। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी ही वो टूर्नामेंट था जिसमें इंडियन टीम अपने सभी मैचेस में जीती थी, फिर चाहे वो वार्म अप मैचेस ही क्यों ना हो। रोहित शर्मा की इस रियल लाइफ स्टोरी से आप बहुत बड़ी लर्निंग ले सकते हो कि जरूरी नहीं है कि हर टैलेंटेड इंसान हमेशा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसलिए हमें किसी भी इंसान के टैलेंट को बस उसकी कुछ नाकामियों से जज नहीं करना चाहिए। साल 2013 में अपने इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद रोहित ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज रोहित शर्मा के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स हैं जो भारतीय क्रिकेट को पूरी दुनिया में गौरवान्वित महसूस कराते हैं, जिसकी वजह से रोहित शर्मा को खेल क्षेत्र के 2 बड़े अवार्ड्स, अर्जुन अवार्ड और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इसी बीच साल 2015 में ही रोहित शर्मा ने ऋतिका साजदे से शादी करी, और अभी फिलहाल उनकी एक बेटी भी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलावा अगर हम बात करें रोहित के IPL करियर के बारे में, तो 2008 में डेक्कन चार्जर्स के द्वारा पहली बार रोहित शर्मा को खरीदा गया था, लेकिन उसके बाद साल 2011 में होने वाले ऑक्शंस में रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस के द्वारा खरीद लिया गया, और तब से लेकर आज तक रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के लिए ही खेल रहे हैं। और कमाल की बात तो ये है कि इनकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस IPL की सबसे सक्सेसफुल टीम भी बनी है, जिसकी वजह से रोहित शर्मा को IPL का सबसे सफल कप्तान भी माना जाता है, और शायद इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय T20 के भारतीय कप्तान के रूप में रोहित शर्मा सेलेक्टर्स और भारतीय क्रिकेट फैंस की पहली पसंद भी बन चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने रोहित शर्मा के कई रिकॉर्ड्स का जिक्र नहीं किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप उन रिकॉर्ड्स का जिक्र कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अगर आप रोहित शर्मा की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट जानते हैं जो हमने इस वीडियो में नहीं मेंशन करे, तो आप उनके बारे में भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।